आइटम्स आप दे रहे हैं जी इसमें? लगभग 40 तरीके की आइटम्स हैं बफे में, जिसमें कि 8 टू 10 स्नैक्स रहेंगे, 10 टू 15 डेजर्ट्स रहेंगे एंड प्लस मेन कोर्स रहेगा अलोंग विद सैलेड्स। ठीक है जी, ठीक जी। जो कि हमने बफे स्टार्ट किया है वीकेंड पे लगेगा विद लाइव सिंगिंग, जिसमें कि शेफ ने हर तरीके की डिशेस रखी हैं, जैसे कि इंडियन में है, नॉन वेज में है, प्रॉन्स हैं, नई डिशेस इंट्रोड्यूस करी हैं रिसर्च करके, जो कि हमारे पंजाबी लुधियाना के लोगों को बहुत ही पसंद आएंगी। सो आप लोग आए और एंजॉय करें विद लाइव म्यूजिक एंड विद गुड एम्बियंस। टाइमिंग क्या है जी इसका वीकली जो है? लुधियाना हमने यहाँ पर अभी वीकेंड बुफे जो चालू किए हुए हैं, ये फ्राइडे सैटरडे संडे दो दिन चलेंगे, तो 7:30 बजे से और रात को 11 बजे तक रहेंगे। इसमें हमने जैसे 4 स्नैक्स, 8-10 आइटम की सलाद है, उसके बाद 15 मेन कोर्स है जिसमें 3 नॉन वेज बाकी भेज रहे हैं, उसके बाद कम से कम 18 से 20 हमने यहाँ पर डेजर्ट चालू किए। इसके अलावा हमने मंडे से यहाँ पर हमारे जो न्यू मेनू लॉन्च किया है रेस्टोरेंट में, जो अलग से कुछ अवधि कुजीन या पूरे मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट के हिसाब से अलग अलग डिशेज हमने नहीं ला के रखे यहाँ पर, जिनको हम मंडे से सर्व करेंगे रेस्टोरेंट के अंदर जी। शेफ साहब, आपने जितनी आइटम्स रखी हैं बफे में, आमतौर पे इतनी आइटम्स नहीं देखने को मिलती हैं, तो इसका प्राइस क्या है जी? प्राइस इसका 1200 प्लस टैक्सेज है। ओके, तो इसलिए हमने इस रखा है क्योंकि वैरायटी के बहुत से ज़्यादा वो होते हैं, क्योंकि चॉइस होनी जरूरी है, तो इसलिए हमने काफ़ी आइटम वो करके रखा है कि आदमी को चॉइस मिले कि जी 1200 में आदमी जितना मर्जी यहाँ पे आके ये खा सकता है। इसके अलावा हमारे पास हमारे मेंबरशिप है, अगर मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो ये तो उनको 50% डिस्काउंट हो जाता है, आपको 600 रुपये में। अच्छा, 600 रुपये में हो जाता है। तो आपका कोई खास डिश भी तैयार की है इसमें आप, जिसको आपकी स्पेशलिटी? नॉन वेज नॉन वेज हमने यहाँ पर नई आइटम है, जैसे गलौटी कबाब है, ये लखनऊ की बहुत स्पेशल डिश है। मटन गलौटी है, ये क्या होता है कि जब राजा महाराजा का टाइम होता था, लखनऊ से शुरू हुए थे जो नवाब लोग होते, तो उनके जो बुढ़े लोग होते थे उनके ना दांत नहीं होते थे, इसलिए उनको उनके बावर्ची ने एक ऐसा डिश बनाया जिसको मटन का एकदम कीमा करके रखा है और उसको मैश करके, तो आप खाओगे तो वो मुंह में पिघल जाएगा, उसको आपको छपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके पसंद आएगा ये? बहुत पसंद आएगा, क्योंकि गलौटी बहुत जहाँ पर भी आप चालू करोगे कई बार ऐसा नहीं है कि गलौटी ना पसंद आए। इसके अलावा हमने पहले यहाँ पर सी फूड नहीं रखा था लॉकडाउन के बाद, अभी हमने फिर से सी फूड चालू कर दिया, जैसे प्रॉन्स हो गया, मच्छी हो गया। लुधियाना वासियों को कौन सी डिश ज़्यादा पसंद आ रही है यहाँ पे? अभी जैसा पंजाब के हिसाब से रारा मुर्ग है, वेज में ज्यादा कर रहे हैं, नॉन वेज में रोगन जूस है। अच्छा। काफी आइटम है हमने नए लाए, जैसा चाइनीज से है, टांगड़ा स्टाइल चिली चिकन है, ये टांगड़ा स्टाइल जो चिली चिकन है ये चाइनीज, लेकिन इसको इंडियन में कन्वर्ट किया गया, टांगड़ा बंगाल की जगह एक जगह छोटी सी जगह है नेपाल में जो टांगड़ा है उसके हिसाब से हमने उसको। जैसे वेज जो होते हैं और नॉन वेज होते हैं, तो इनमें जगह को लेकर भी काफी मन में बातचीत रहती है, तो यहाँ पे सर्व करने के लिए आपने हमारे जो आमदार जो होते हैं, जैसे तंदूर भी हमारे तो सेपरेट तंदूर रहते हैं, वेज के लिए हम अलग तंदूर यूज करते हैं, नॉन वेज के लिए अलग तंदूर होते हैं, उससे कढ़ाई भी जो होती है हर चीज के लिए अलग ही होती है, नॉन वेज तो नॉन वेज और वेज का जो जगह होती है वो भी अलग होती है, क्योंकि स्पेशल टैग लगे हुए रहते हैं, जो वेज है वो ग्रीन टैग के साथ, जो नॉन वेज है वो रेड टैग के साथ, तो हम उसको। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.